वही वाला जो हम लास्ट फॉलो कर रहे थे, डेव सीडिया रिएक्ट ट्यूटोरियल। अच्छा, इसमें हमने ये काम कर लिया अभी तक कि ये जो हेलो वर्ल्ड इसने बनवाया था, इसको पहले हमने कोड सैंडबॉक्स में बनाया, उसके बाद अपने कंप्यूटर में बनाया और उसको फायरबेस होस्टिंग पे डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, फायरबेस होस्टिंग के अलावा भी नेटलीफाई वगैरह पे भी डिप्लॉय कर सकते हो आप अगर चाहो तो। ठीक है, किसी भी यानी रिएक्ट की जो ऐप है उसको किसी भी स्टेटिक होस्टिंग प्रोवाइडर पे आप होस्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप खुद की भी बना सकते हो एक्सप्रेस से, जो हम खुद की स्टेटिक होस्टिंग बनाते हैं। अच्छा, गिटहब पेजेस पे भी ये डिप्लॉय हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, कोशिश करो गिटहब पेजेस पर इसको डिप्लॉय ना करो, सही है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है वो। मैंने आर्टिकल वैसे लास्ट टाइम बताया था, एक हाउ टू डिप्लॉय रिएक्ट ऐप ऑन गिटहब पेजेस लिखोगे ना तो आर्टिकल आ जाएंगे 4-5 टॉप पे ना, तो उनमें से कोई भी फॉलो कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा मसला हल। अच्छा, ये योर टर्न वाला काम भी हमने कर लिया था, सही है। आज हमने पढ़ना है, हाँ यहाँ तक कर लिया था ना, CSS अप्लाई कर ली थी हमने, और ये CSS की फाइल बनाने के बाद आप इस काबिल हो चुके थे कि आप एक स्टेटिक वेबसाइट बना सकें रिएक्ट पे, और आपको मैंने CV बनाने के लिए दी थी। हाँ भाई, भेजो लिंक, भेजो जल्दी जल्दी। डिप्लॉय नहीं हो रहा रिएक्ट इस पे, फायरबेस पे। अच्छा भाई, चलो अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये, अबे ये कैसी CV बनाई है CSS पूरा पढ़ने के बाद, ये नहीं एक्सेप्टेबल है भाई। ये जॉब के लिए दोगे तो जॉब होती भी अगर वेब डेवलपर के लिए दोगे ना तुम, जो CV तुमने यहाँ भेजी है मुझे, ये देखो ये फिर भी जस्टिफाइड है, ये जो भेजा है ना इसने, ये फिर भी जस्टिफाइड है। ठीक है, इस पर ये सारा CSS वगैरह लगा हुआ है, और ये रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए होपफुली। हाँ, इसको देखो रिस्पॉन्सिव भी कर लेना, क्योंकि CV एक, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आप CV भेज रहे हो ना, पहली बात तो पेपर पे नहीं होनी चाहिए, पेपर पे होगी तो आप वेब डेवलपर किस बात के ऊपर। ठीक है, दूसरा वेब पे होनी चाहिए, और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जो एक नॉर्मल यूज़र जिस चीज़ को, मतलब अभी इसको कोई मोबाइल पे खोलेगा ना तो ये सही नहीं खुलेगी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये नॉर्मल यूज़र, आप डेली इंटरनेट के यूज़र हो आप सब लोग, आप सबको पता है कि ये ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस पर ओके होनी चाहिए। इसी तरह नंबर के ऊपर देखो, क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, इस नंबर पर क्लिक करने से कॉल इनिशिएट होनी चाहिए, इस पर कॉल का लिंक लगेगा। ठीक है, ईमेल के ऊपर ईमेल का लिंक लगेगा, ईमेल पे क्लिक करूँ तो ईमेल खुलना चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें करनी होगी। किसका ये तुम्हारा, ये सी चीज़ें सारी लगाना है इसके ऊपर भाई, अगर तो ये भेजना है किसी को तुमने, अगर तो वैसे ही बनाई है बात अलग है, लेकिन यार फिर भी वैसे भी बनाई है अगर तो प्रॉपर काम करो ना। ठीक है, ये गिटहब का जो प्रोजेक्ट है इसके भी URL के ऊपर क्लिकेबल होना चाहिए, लिंक्डइन का URL भी क्लिकेबल होना चाहिए, और एक दो लोगों का ज़रा देखते हैं भाई। ये अपना अहद, ये जो तुमने बनाया ना, इसके अंदर भाई जो लिंक विजिट हो जाता है, विजिटेड का कलर कुछ तो चेंज करो मुझे, वरना पता नहीं लग रहा कि मैंने कौन सा लिंक अभी देखा है लास्ट। ठीक है, वो जो पहले हमारा था उस पर पता लगता है, उस पर जो ना चेंज होता है लिंक का कलर, तो सम हाउ मुझे पता लगना चाहिए कि ये विजिट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं चेक भी करूँगा कि ये रिएक्ट पे बना हुआ है किसी और पे बना हुआ है। हाँ, रिएक्ट पे, सही है, देखो ऐसे पता लग जाता है ये। अच्छा भाई, ये भी फ़ोन पे क्लिकेबल वगैरह नहीं है, एड्रेस पे भी क्लिकेबल होना चाहिए। एड्रेस पे मैं जब क्लिक करूँ ना तो मे बी गूगल मैप खुलवा दो आप, मे बी, सही है, या गेट डायरेक्शन का बटन यहाँ पे आ रहा हो कि एड्रेस लिखा हुआ ना, बस जैसे ही क्लिक करे वो डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाए बंदा। हाँ, ये क्लिकेबल रखा है तुमने, गुड। सही है यार, ये क्या चीज़ है, ये स्क्वायर सी डिजाइन, ये टेक्स्ट के ऊपर क्यों आ रहा है, ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है ये, तो ये कैसा डिजाइन है यार। अच्छा, तो तुमने इसको इस तरह से किया था, एक्चुअली तुमने इस तरह से किया था इसको, लेकिन स्क्रीन साइज चेंज होने पे जो है ना ये क्या हो गया, ये इसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसका जो आपने पोजीशन की थी ना, वो इस बॉक्स के साथ रिलेटिव नहीं की थी। अगर आप इस बॉक्स के साथ इसको रिलेटिव करते हैं ना, तो इस बॉक्स के साथ ही मूव होता है ये, आगे पीछे नहीं होता इससे। ठीक है, इन दोनों का, इन इस बॉक्स का और इसके नीचे वाले का कंटेनर एक होता है, और ये इस बॉक्स के साथ रिलेटिव होता है। ये अलग से जो तुमने मार्जिन पैडिंग मारी होगी वो इस पर, देखो देखता हूँ क्या लगाया तुमने इस पर, क्या लगाया इस पर भाई, पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, एब्सोल्यूट नहीं होगा ये रिलेटिव होगा। सही है, या एब्सोल्यूट भी चलो कर सकते हो, एब्सोल्यूट भी कर सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट को किसके साथ मैच किया है? एब्सोल्यूट करने के बाद, अच्छा एब्सोल्यूट करने का एक रूल होता है कि आप जिस चीज़ के साथ एब्सोल्यूट कर रहे हो ना, वो दोनों एक कंटेनर में होना चाहिए। हाँ चलो है तो सही, एक कंटेनर में, इस वाले में। फिर क्यों मसला कर रहा है यार ये, फिर तो इसको मसला नहीं करना चाहिए। अच्छा लेफ्ट जो है वो 41 किया हुआ है, लेफ्ट 41 नहीं, लेफ्ट तो ज़ीरो होगा ना इसका। अरे ये क्या सीन है, ये ज़ीरो करने से उधर कहाँ भाग जा रहा है? नहीं होता ये भाई, नहीं एब्सोल्यूट में। देखो पता है क्या हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ चक्कर क्या है, ये जो पेरेंट है ना इसका, इस पेरेंट को रिलेटिव करना पड़ेगा, फिर ये सही काम करेगा। पोजीशन रिलेटिव सही है, अब लगाओगे आप इसके ऊपर तो ये सही चलेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लगाओगे क्या भला, ये जो लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट लगाओगे आप ज़ीरो, ज़ीरो नहीं मतलब थोड़ा सा जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए, यहाँ था ना, इधर लगाना था ना। अच्छा ये टॉप वाला तो सेट हुआ है, नीचे वाले में कुछ दूसरी गड़बड़ भी है। ठीक है, अच्छा अब ये सेट हो गया, अब इसको मैं जितना मर्ज़ी जूम आउट, जूम इन जूम आउट करूँ, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो तुमने लगाया तो सही था एब्सोल्यूट, लेकिन जो है ना वो पेरेंट उसका तुमने सही नहीं किया हुआ था, तो वो क्या हो रहा था, वो पूरी स्क्रीन से ले रहा था उसको, पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो कंसिडर कर रहा था। वेल और इसमें एक काम और भी करना है, इसमें एक काम और ये करना है कि इसको ज़रा वो भी करना है ना, ज़रा और ऊंचा करना है इसको, ये भी बहुत नीचे हो गया। इसको जो है वो एक तो लेफ्ट हो गया ना, साथ में इस पर टॉप भी लगेगा। सॉरी टॉप नहीं, बॉटम। पता नहीं, बहरहाल इसको जगह नहीं मिल रही है शायद मूव होने की। वेल चलो छोड़ो, बात तो समझ आ गई ना ओवरऑल। ये थोड़ा सा ऊंचा भी होगा, ये पता नहीं ऊंचा क्यों नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा अपनी जगह से ये। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम लोगों ने असाइनमेंट्स बना लिए हैं, बावजूद इसके कि मुझे उतने लिंक नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं। कर रहे हो डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट में मसले आ रहे हैं, पूछो ना यार सवाल। हाँ क्या बोल रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट पूरे हो गए होंगे फिर? देखो एरर में कुछ तो लिखा हुआ होगा ना, एरर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट के नीचे क्या लिखा हुआ रहा है, रीज़न? रीज़न कुछ नहीं आ रहा। अच्छा अगर तो इस तरह की कोई सिचुएशन है कि रीज़न कुछ नहीं आ रहा, एरर बोल दिया उसने, तो हो सकता है या तो CLI का वर्जन पुराना हो, या कुछ ऐसा उसको परमिशन ना मिल रही हो किसी चीज़ की, है ना। लॉगिन करते हो ना आप, जब आप फायरबेस लॉगिन करते हो ना, तो वो कुछ परमिशन मांगता है, हो सकता है वो परमिशन सही तरह ना मिली हो उसको। तो यार सीधी तरह जाके डैशबोर्ड पे बना लो, कोई मसला नहीं है, अगर CLI से नहीं बन रहा डैशबोर्ड पे जाके बना लो, हो जा रहा है डिप्लॉय तो बस सही है, मसला हल है तुम्हारा। ठीक है, वो CLI से समटाइम वो इशू कर सकता है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। हाँ SVG की फाइल जब लगाते हो तो उड़ा दी, क्या मतलब? हाँ वो तुमने रिमूव कर दी। अच्छा हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल एरर देगा, रिएक्ट के अंदर ही एरर देगा। अगर आप किसी इमेज को आपने इंपोर्ट किया हुआ ना टॉप पे, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट किया था ना, इमेज को इंपोर्ट किया था ये वाला, अगर ये इमेज मिला नहीं ना इसको, तो ये बिल्ड करने नहीं देगा आपको, ये बोलेगा भाई ये इमेज मेरे को पहले चाहिए, ये इंपोर्ट की लाइन हटानी पड़ेगी आपको।
एरर का मैसेज पढ़ के बताओ, फायरबेस का जो एरर आ रहा है उसका मैसेज पढ़ के बताओ। फायरबेस नॉट, हाँ तो वो फायरबेस की सीएलआई इंस्टॉल नहीं हुई है सही से। फायरबेस डैश टूल्स जो इंस्टॉल करते हो ना, वो दोबारा से इंस्टॉलेशन करो। अगर वो इंस्टॉलेशन के बाद भी ये आता रहे तो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं है फिर तुम्हारा, ठीक है। इंस्टॉलेशन के जो एरर्स हैं वो देख लो ज़रा, लोग जो बता रहे हैं। और किसी के पास कोई एरर, कोई सवाल, कोई मसला? जी ये तो है, मैं नहीं, नहीं देखो, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फोल्डर है रिएक्ट, रिएक्ट के अंदर हेलो जो है ना वो असल मेरा फोल्डर है, प्रोजेक्ट का जो रूट फोल्डर है। देखो npm start मैं उस जगह पे चलाता हूँ जहाँ पे मुझे package.json की फ़ाइल मिलती है, सही है। जिस लेवल पे package.json की फ़ाइल पड़ी हुई है मुझे उस लेवल पे आना है, उसके बाद npm की सारी कमांड्स चलाऊँगा मैं। अगर आप उस पे नहीं मौजूद हो तो हो सकता है आपको वो कमांड ना मिले, वो लिखे कमांड नॉट फाउंड, npm start समझ ही नहीं आएगा उसको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आ गए हो और यहाँ पे आके आप चला रहे हो और उसके बाद क्या एरर आता है? ग्रुप में शेयर किया था मैंने, देखा तो नहीं है अभी, है लैपटॉप है? अच्छा नहीं, मैसेज पढ़ के मुझे बता दो ना, मैसेज क्या लिखा हुआ आ रहा था वो पढ़ के मुझे बताओ, तो मैं उससे आपको हिंट दे दूंगा कि वो किस वजह से आ रहा है। स्क्रिप्ट, हाँ अच्छा, रिएक्ट स्क्रिप्ट नॉट फाउंड कह रहा है वो, अच्छा। रिएक्ट स्क्रिप्ट तो यार नॉट मॉड्यूल के अंदर होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से जो कमांड्स चला रहे हो आप, तो उसमें आपको परमिशन पूरी नहीं मिल रही है कुछ चीज़ों में। असल में ये एक ना इशू चल रहा है, पिछले 4-5 सालों से ये इशू चल रहा है। विंडोज़ वाले ना कोशिश कर रहे हैं कि वो पावर शेल को मेन स्ट्रीम पे लेकर आएं, और मसला लेकिन ये है कि पावर शेल की जो कमांड्स है ना, वो कमांड प्रॉम्प्ट की जो कमांड्स हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बहुत सारी कमांड्स, सही है। पावर शेल एक पूरी कंप्लीट न्यू लैंग्वेज है, पावर शेल है, नहीं नहीं पाइथन तो नहीं है वो, उसकी अपनी बैच कमांड्स कहते हैं उसको। वो एक तो सीएमडी के ऊपर है ना चीज़ें ज़रा जिस तरह से चल रही होती हैं, एक तो सीएलएस है, सीडी है और मेक डायरेक्टरी है, ये वाली कमांड्स तो सेम है उसकी, लेकिन कुछ एडवांस कमांड है वो बहुत चेंज है उसके अंदर, तो लोग ज़रा सा ना रेजिस्ट कर रहे हैं। हालांकि पावर शेल विंडोज 7 में इंट्रोड्यूस हो गया था, उससे भी पहले हो गया था पावर शेल, लेकिन जो है ना अभी तक उसको लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है मेन स्ट्रीम में ना। हालांकि अभी जितने भी वो नए आ रहे हैं ना सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सब को पावर शेल की कमांड्स इंस्टॉल करवा रहे हैं। अब मसला ये है कि कमांड प्रॉम्प्ट इनका पहले ही एक सर का दर्द है, वो इसलिए है कि लिनक्स से उसकी कमांड डिफरेंट है कमांड प्रॉम्प्ट की। अब ये इन्होंने एक नया बना दिया पावर शेल, उसकी कमांड जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट से भी मुख्तलिफ है, लिनक्स से भी मुख्तलिफ है, पता नहीं किधर लेके जाना चाह रहे हैं ये आवाम को। तो ये पावर शेल को ना इन्फोर्स करने का चक्कर मुझे लग रहा है, ये वो नई वाली अपडेट में ना उन्होंने कुछ ऐसा गेम खेला होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट से ना कमांड ही ना चले तो पावर शेल से चला फिर कुछ इस तरह का किया होगा इन्होंने, क्योंकि पहले भी करते रहे इस तरह की हरकतें ये। लेकिन क्या होगा यार पावर शेल को इन्फोर्स करने से क्या होगा? अगर वही वाला बना देते ये, हालांकि ओपन सोर्स है ना लिनक्स, तो ओपन सोर्स है, अगर ये अपना टर्मिनल लिनक्स से मैच कर लें, सेम टू सेम कर लें, तो क्या बिगड़ जाता है इनका। मगर मसला ये है कि वो कर नहीं सकते, एक तो नाक का चक्कर है, दूसरा इनके फाइल सिस्टम का इशू है। विंडोज़ के अंदर जो फाइल सिस्टम है ना वो इन्होंने पता नहीं अलग ही बनाया हुआ है, वो बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे मुख्तलिफ है। तो वो अगर लिनक्स वाला करेंगे ना कमांड, तो उसमें तो होता है होम, और उसमें तो होता है वो सारा जो वो तो सारा मसला पड़ जाएगा। फिर उसमें प्रोसेस जो होते हैं वो असल में फ़ाइल होती है, यहाँ इनमें प्रोसेस फाइल नहीं होती, यहाँ पर प्रोसेस इटसेल्फ भी एक प्रोसेस होता है। तो ज़रा आवे का आवा चेंज है विंडोज़ के अंदर ना।
इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि ज़रा लिनक्स से मैच करते अपने आप को, यूआई वगैरह वही रखते लेकिन इंटरनली लिनक्स पे मूव करते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन यार ये करते नहीं है। ब्लैंक तो नहीं आ रहा होगा, कुछ तो आ रहा होगा लिखा हुआ स्क्रीन पे। लोडिंग कंप्लीट हो गई इसकी, लोडिंग कंप्लीट हो गई फिर भी ब्लैंक आ रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के हार्ड रिफ्रेश करो जरा इसको, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के हार्ड रिफ्रेश करो और देखो कंसोल पे कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। एरर का मैसेज पढ़ाओ, फायरबेस लॉगिन भी होगा ना, ये एरर दे रहा है, और ट्राई करा दोबारा दोबारा फिर वो बूस्ट भी चलाए लेकिन नहीं हुआ। अच्छा जी, npm/ps1 कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड। अब ये आपके सिस्टम में ना कोई सिक्योरिटी की कोई सेटिंग है, विंडोज में सिक्योरिटी की कोई सेटिंग है आपकी जिसने स्क्रिप्ट चलाना बंद किया हुआ है। अच्छा ये कमांड आप कहाँ चला रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे? कमांड प्रॉम्प्ट पे चला रहे हैं ना। अच्छा ये पता कर क्या रहा है ये, हाँ जब आप चलाते हैं ना कमांड तो ये बैकग्राउंड में ना एक इसने स्क्रिप्ट लिखी हुई है। यार बच्चों ज़रा इधर तवज्जो दो, ये आपका भी मसला हो सकता है, जो काम नहीं कर रहा वो बातें ना करे आपस में। ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड में फाइल चलाता है, firebase.ps1। ps1 क्या चीज़ है, ये पावर शेल की फाइल है। पावर शेल की फाइल क्या होती है कि वो पावर शेल की कमांड्स होंगी उसमें वो लाइन से लिखी होगी, जैसे हम ये लिखते हैं ना cd और डायरेक्टरी वगैरह, इसकी हम एक फाइल भी बना सकते हैं ना, डॉट बैट फाइल होती है वो। तो जो बैट फाइल होती है वो कमांड प्रॉम्प्ट की होती है, ये ps1 पावर शेल की फाइल है शायद। अब वो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप खड़े हुए हैं और पावर शेल की फाइल बैकग्राउंड में रन हो रही है, उसको ये रन नहीं करने दे रहा। ये विंडोज़ का कोई सिक्योरिटी फीचर है जो आपका इनेबल हुआ हुआ है। अब ये वाली बात आप लिखें कि रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड, लिखोगे ना जाके, लिखते हैं ना यहाँ पर रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड ऑन दिस सिस्टम। देखो ना सब लोगों ने पूछा हुआ है, टॉप पे आ रहा है, देखो ना लोगों ने आर्टिकल लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये आर्टिकल है ना, कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड, है ना। ये विंडोज स्पेसिफिक इशू है। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन है इसका, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो या पॉलिसी को चेंज कर दो। ये पॉलिसी चेंज हो रही है अंदर से, सही है। अब ये देख लेना ये क्या चक्कर है, पॉलिसी चेंज करने से क्या होता है क्या नहीं होता। ये देखो स्टैक ओवर फ्लो पे भी किसी ने ये पूछा है, सही है। 2700 लोगों ने बोला है कि भाई हमारे साथ भी ये मसला है, सबके साथ ये मसला है, ठीक है। तो एरर का मैसेज ज़रा करोगे ना तो देखो मिल जाता है जवाब। अब देखो आंसर इसने दिया है, 50 लोगों ने बोला है कि यार ये आंसर जो है ना, सॉरी 50 आंसर आए हैं इसके ऊपर, सही आंसर कौन सा है, सही आंसर किसी ने भी वो नहीं किया हुआ। बहरहाल जो टॉप पे जो आंसर आ रहा है उसने क्या बोला है, उसने बोला है भाई सेक्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्कोप करंट यूजर एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड। बस ये इतनी कमांड लिखोगे तो ये बोल रहा है सेट हो जाएगा सारा, सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। बूटस्ट्रैप के आइकन को बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ अभी, मैं इसको क्लास में कवर कर लेता हूँ। अच्छा जी ये वाला क्या एरर है मेरा भाई, यार ये असल में ना आपने पहली लाइन से नहीं दिखाया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन, वो भी दिख नहीं रहा। रिज्यूमे के अंदर एक और रिज्यूमे भी तो है, आप गलत फोल्डर में हो। एक रिज्यूमे का फोल्डर है, उसके अंदर एक और रिज्यूमे का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर प्रोजेक्ट है आपका, देखो आप उसमें साइड में डायरेक्टरी में जाओ, देख रहे हो आप, एक ये रिज्यूमे टॉप पे फोल्डर है उसके अंदर एक और है, हाँ उसने एक और बना दिया था। तो या तो कट करके बाहर ले आओ उसको, या तो खुद फोल्डर बनाओ नहीं उसी को बनाने दो, क्रिएट रिएक्ट ऐप को खुद भी बना देगा वो फोल्डर। ये क्या था एरर का मैसेज, जरा पढ़ के बताना, वहीं से पढ़ के बताओ एरर का मैसेज। Cannot find module package.json, ये कह रहा था ना वो,
अच्छा ये वाला अगर एरर आ रहा है ना किसी के पास, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल पैकेज डॉट जेसन, तो इसका मतलब है कि आप गलत फोल्डर में खड़े होकर कमांड चला रहे हो। सही है, तुम्हारा सही हुआ भाई। ब्लैंक स्क्रीन इधर ले आओ, इधर ले आओ, आ जाओ। लिखा आ रहा है और ये नेटवर्क में जाओ। अरे ये कौन सा ब्राउज़र खोला हुआ तुमने यार, ऐसा नहीं करो, ब्राउज़र गूगल क्रोम खोलो। सही है, इसको करो बंद, ब्राउज़र गूगल क्रोम खोलो। नहीं नहीं वो तुमने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गलत सेट किया हुआ है, अनइंस्टॉल होगा ही नहीं, ये ब्लॉटवेयर है। इसको एग्जिट मारो, रुको, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र लिखो, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पूरा लिख दो। डिफॉल्ट ऐप्स में चले जाओ, यहाँ ऊपर यहाँ पे ब्राउजर को जाकर चेंज मारो गूगल क्रोम। एज आ रहा है ना यहाँ, ये वाला एज को चेंज करो, गूगल क्रोम करो उसको। बस ये मसला हल हो गया तुम्हारा। अब जब तुम लाइव सर्वर चलाओगे तो गूगल क्रोम खुलेगा, लाइव सर्वर को बंद करके दोबारा चलाओ, खुल गया। अच्छा अब यहाँ पे से ना सही इंस्पेक्शन होती है, ये गूगल क्रोम से सही इंस्पेक्शन होती है। डेवलपमेंट के टाइम पे ना गूगल क्रोम यूज़ करो, बाकी फिर बाद में तो मसला नहीं है। अच्छा नेटवर्क पे आ जाते हैं, इसको कट कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा हमारा भाई, पेंडिंग पेंडिंग। अच्छा चला चला चला, भाई ऐप तो तुम्हारी लोड हो गई है। ऐप तो तुम्हारी लोड हो गई है, ये क्या सीन हुआ है? बिल्ड का फोल्डर की बजाय तुमने पब्लिक का फोल्डर लगाया हुआ है, अल्लाह के बंदे देखो तो सही, ये बिल्ड का फोल्डर लगाना था यहाँ। कंट्रोल एस, अब करो इसको दोबारा डिप्लॉय। चलो ये लो, हो गया तुम्हारा मसला। ये भाइयों जब वो बिल्ड का फोल्डर पूछेगा ना, जब तो पब्लिक फोल्डर जब पूछेगा वो, तो वहाँ पे बिल्ड बताना है, पब्लिक नहीं, वो बाई डिफॉल्ट पब्लिक लिखा आ रहा होता है। अच्छा एक तो काम सबसे पहले इस पर आप ये करो ना कि ये एज एडमिन चल रहा है ना, ये एज एडमिन चल रहा है, इस पर npm i पहले तो दोबारा चलाओगे आप। सही है, देखा कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं थी, इसको इंस्टॉल कर रहा है। सही है, अब आप चलाओगे npm start। एक मिनट अब इसको भी सर्च कर लेते हैं, कैन नॉट फाइंड रिएक्ट स्क्रिप्ट। ये भी लोगों के पास देखो आ रहा है, ये भी लोगों के पास आ रहा है इशू। माई प्रॉब्लम वॉज दैट आई वुड रीनेम्ड द फोल्डर। आपने प्रोजेक्ट बनाने के बाद फोल्डर को रीनेम तो नहीं किया? ग्लोबली अपडेट ऑल डिपेंडेंसीज।
यार मुझे तो यही लग रहा है कि इसका मैं ये डिलीट मारता हूँ दोबारा से। इसमें वी एस कोड में कहाँ खुला भाई यार, ये ना आपने गलत खोला वैसे भी। सी डी करके आप जाओगे माई ऐप्स में पहले, ठीक है, उसके बाद आप इसको खोलोगे। सही है, अब ये सही खुला है। सही है, अब ये सही खुला है ना, ऐसे आपने खोलना है हमेशा। अच्छा, अब ये पैकेज डॉट जेसन ज़रा देख लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। रिएक्ट स्क्रिप्ट इसमें मौजूद तो है, तो हमें काम करते हैं नॉड मॉड्यूल को क्या करते हैं डिलीट करके और दोबारा से जो है ना, अरे एक मिनट, इसको डिलीट नहीं करते हैं। SSD आपके पास कौन से हार्ड ड्राइव है? SSD, तो फिर तो डिलीट हो जाना चाहिए उसको। हार्ड ड्राइव होती ना ये रोज देता। अच्छा, और अब इसको आके ना यहाँ पे दोबारा से पावर शेल है यहाँ पे, चलो NPMI कर दिया इसको। ये दोबारा से NPMI हमने चला दिया इसको। थोड़े लॉक को भी डिलीट मारना था, लॉक को भी डिलीट मारना था। चलो खैर, अभी इसको ऐसे ही होने देते हैं। स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, इसका ड्राइवर नहीं हुआ होगा आपका। इसकी ना, इसकी उस पर जाना, जो ये कंप्यूटर है ना, जो भी इसके वो वेबसाइट पे जाना, ड्राइवर इसका इंस्टॉल करना। पेज आपका बटन लगा। अच्छा, इस पर ये भी काम नहीं होता। अ सब डायरेक्टरी और अ फाइल और दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, कह रहा है कि बिन के अंदर जाके ना ये मैं करता हूँ इंस्टॉल, इसको पहले से इसमें है ये। किस नाम से? .bin। अच्छा, .cmd तो यहाँ है, .cmd तो यहाँ है। ये पावर शेल की वजह से नहीं चल रहा है। अच्छा, PS1 भी है ये रहा, दोनों है तो सही है। और ये रिएक्ट स्क्रिप्ट .bin भी है, लिनक्स वाला, तीनों माल है इसके अंदर। इस पर ये मिल नहीं रहा, जस्ट ये हो रहा है। डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट? नहीं यार, जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको पावर शेल को चेंज करके यहाँ पर वो खोल लूँ, गेट बैश खोल लूँ, और यहाँ पे जाके मैं इस नॉड मॉड्यूल को दोबारा से क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ, पैकेज के लॉक को भी डिलीट कर दूँ।
सो अगेन यहाँ से NPMI चलाओ उसके बाद माउस पैड का ड्राइवर होगा, मिडिल क्लिक भी इसके काम नहीं कर रहा है, दरमियान हो रहा है ये भी काम नहीं कर रहा है। दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, एक तो मेमोरी बूस्टर इंस्टॉल करो, इससे रैम तुम्हारी थोड़ी सी ना फ्री हो जाएगी। असल में 8 GB रैम है ना, तो अभी ये ओवरफ्लो कर जाता होगा। स्पीड पूरी बता रहा है, यहाँ स्लो रहा है, ये वाला सीन हो गया। इसका थिंक पैड डिटेक्ट प्रोडक्ट भी होता है, छोटा सा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, कहे चलाओ उसको।
अपडेट वाला माल से अलग ब्रिज है, अलग ब्रिज है, सबके लिए अलग अलग ब्रिज बनाया है। पता है क्या चक्कर है, ये ना इनका कोई इशू है ऑफिशियल, ये एक दो दिन में सही हो जाएगा। पता है क्या हो रहा है, ये हो रहा ये है यार, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, हाथ से होना पड़ेगा। ये कह रहा है ये डॉट बिन जो है ना, ये फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट है इनका बिहाइंड द सीन, वो ये फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, और वो फोल्डर क्योंकि पहले से बना हुआ है और उसमें दूसरे बहुत सारे स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर ना एक्सेप्शन आ जाता है इसके अंदर कि भाई ये तो फोल्डर पहले से बना हुआ है और यहाँ पे ये कमांड जो है वो हो जा रही है ब्रेक। अब ये किसी ना किसी ये लोडर डॉट जे एस पे ही एरर आ रहा है। अब जिस लाइब्रेरी ने भी ये हरकत की है ना, इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ, तो वो एक दो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, उसको अपडेट कर देंगे वो। सही है, अभी मैं इसको लगाऊँगा ना यहाँ पे, तो ये किसी ना किसी ने सर्च मारा हुआ होगा, किसी ना किसी ने ये पूछी भी होगी बात ना। ये देख रहे हो आ गया फौरन रिएक्ट क्रिएट ऐप। अच्छा नहीं, ये वाला नहीं है, बिन फाइल है ना। ये ज़रा मुख्तलिफ एरर है। बहरहाल इसका जवाब क्या बंदा ने बताया भाई, If you have an end in your project path, थोड़े अच्छा कह रहा है प्रोजेक्ट पाथ का इशू है। चेक कर लेते हैं, कॉपी पाथ और पूरे पाथ को ज़रा इधर हम लगा के देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है इसकी। ऐसा तो कुछ नहीं है पूरे पाथ में, वाला इशू नहीं आ रहा है, ये स्क्रॉल नहीं काम कर रहा ना, मज़ा नहीं आ रहा, हट रही है इसमें। क्या कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है अभी तक, स्कैनिंग कर रहा है अभी तक, उसके बाद सिलेक्शन पूछेगा ये। वेल चलो हाथ से कर लेते हैं, माइनस फोर्स। अच्छा माइनस माइनस फोर्स लगा के देखते हैं, कह रहे फोर्स करो उसको,
नहीं फोर्स में भी नहीं हो रहा। इन माई केस आई रिमूव द वाइट स्पेस फ्रॉम द फोल्डर नेम। फोल्डर नेम में कोई वाइट स्पेस है? नहीं, फोल्डर नेम में कोई वाइट स्पेस नहीं है। वाइट स्पेस एक दफ़ा ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं है, वाइट स्पेस तो नहीं है। वाइट स्पेस तो कोई नहीं है। इसको इंस्टॉल कर लेना ना, फिर ये ऐसे से करोगे ना तो ये स्क्रॉल होगा, ऐसे स्क्रॉल होगा, सही है। बाकी वो वाला जो इशू है ना वो एक दो दिन में शायद सेट हो जाए। वो मेरे हिसाब से किसी लाइब्रेरी वालों ने किसी ने बंद मारा है वो। अच्छा भाई लड़कों, हो गया तुम्हारा मसला? हाँ भाई, तुम्हारा मसला हल हो गया? तुम्हारे पास क्या आ रहा था? डाल दिया। और किसके पास इश्यूज आ रहे हैं? आपके पास भी मसला आ रहा था कोई? हो गया, सही हो गया अभी वो? हाँ हाँ इमेज तो किसी भी फॉर्मेट में हो तो यूज़ कर सकते हैं उसको। देखो पब्लिक में भी उसको रखा जा सकता है, लेकिन अगर तो आपको एज अ रिएक्ट की, मतलब रिएक्ट की ऐप में इस्तेमाल कर रहे हो ना अगर आप उसको, तो फिर आप कोशिश करो आप रिएक्ट की ऐप में रखो उसको, इंपोर्ट वगैरह करके तरीके से इस्तेमाल करो जैसे उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बताया है, ठीक है। अगर आप उसको पब्लिक के फोल्डर में रख दोगे ना तो फिर होगा ये कि वो रिएक्ट के फ्लो में नहीं होगा। जैसे फैव आइकन वगैरह है वो हम पब्लिक के फोल्डर में रख देते हैं क्योंकि उसको हम डायरेक्ट HTML के तौर पे अटैच करते हैं, तो पब्लिक के फोल्डर में रखा हुआ जो भी आइटम है उसको बतौर HTML आप लगाओगे, फिर उसको रिएक्ट की ऐप में फिर आप इस्तेमाल नहीं करोगे, सही है। हाँ भाई, और कोई बंदा ऐसा है जिसके पास कोई एरर आ रहा हो, फंसा हो, अभी तक बन नहीं पाया? हाँ भाई, तुम्हारी बन गई ग्रीन शर्ट? हाँ क्यों नहीं भाई, खड़े हो? किधर है लैपटॉप तुम्हारा? क्यों नहीं लाया लैपटॉप? हाँ वो, हाँ अच्छा, आए भी तुम बड़े दिनों बाद ही हो मुझे लग रहा है, शक्ल तुम्हारी बड़े दिनों बाद दिखी है मुझे। आता है रेगुलर ये? किधर छुप के बैठते हो कहीं पीछे? छुप के नहीं बैठा करो भाई। तो असाइनमेंट क्या सीन है, बैठ गए? ये देखो, मतलब क्यों क्यों नहीं बनाया? कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई? रिएक्ट पे हेलो वर्ल्ड बनाया अभी तक हाथ से तुमने और उसको डिप्लॉय किया? डिप्लॉय करो और लिंक उसका बनाओ। अभी तुम्हारा लैपटॉप किसी को दिया हुआ तुमने या ले के नहीं आए? अच्छा, किसी का लैपटॉप पकड़ो, तुम्हारे दोस्त है ना ये आस पास जो बैठे हुए हैं। हाँ भाई, तुम लोगों के पास है लैपटॉप? इसको दो, लैपटॉप नहीं है। उठो और तुम किसी ऐसे लड़के के पास बैठो जिसके पास लैपटॉप है और उसका असाइनमेंट हो चुका है, उस पर बैठ के काम करो, बैठ के बातों में लगे हुए मजे से।
अभी भी मेरे पास यहाँ पे इतने लिंक्स नहीं है जितने यहाँ पे बंदे बैठे हैं। ये क्या हुआ भाई, नीचे से ब्रोकन क्यों है ये? स्क्रीन साइज फुल करो ना इसका। पर ये जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला, ये जो है ना, ये इसका जो इस पर लगाओगे आप, क्या मिनिमम मिन हाइट है ना, सही है, 100 VH लगाओगे आप, सही है। ये हुआ क्यों नहीं? ओ ओ ओ, गॉट इट गॉट इट। ये असल में 100 VH तो हुआ हुआ ऑलरेडी, ये 100 VH का इशू नहीं है। 100 VH से तो ये छोटा हो गया उल्टा, सही है। ये 100 VH इस पर कहीं और से भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये 100 VH हटाने से सही होगा, ये सही है। ये 100 VH असल में स्क्रॉलेबल पेज है ना, स्क्रॉलेबल पेज पे 100 VH करते हो आप तो फिर वो बोलता है कि यार मेरे साथ मसला हो गया, सेट हो गया ये। हाँ अच्छा, फिर ये जो आइटम है आपका, ये अंदर चला जाता है, सही है, इसको अंदर नहीं जाना चाहिए। देखो ये ओवरलैप हो रहा है ना, तो अंदर जा रहा है, सही है। तो इसको आप बचाने के लिए क्या करोगे, इसको आप बचाने के लिए इसका जेड इंडेक्स बढ़ा सकते हो, तो ये ऊपर आ जाएगा, सही है। जेड इंडेक्स इसका आप 100 कर दोगे, ताकि ये ज़रा अगर ओवरलैप भी करे तो ये ऊपर रहे, बाकी चीज़ें नीचे जाएँ, ठीक है। ये छोटे छोटे का वैसे तो असूल है, इस पर मीडिया क्वेरी लगनी चाहिए कि जी जब स्क्रीन का साइज़ छोटा हो तो पूरा सर्कल भी छोटा हो, लेकिन ये छोटा सा काम है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। कलर की जो चॉइस है ना तुम्हारी, ये ज़रा से ऐसी है कि वो नज़र नहीं आ रही स्क्रीन पे ना, देखो ये बिल्कुल गायब है। जब सिलेक्शन कर रहा हूँ तो फिर कुछ थोड़ा बहुत दिख जा रही है, तो थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐसा रखा करो कलर का कि नज़र आए वो, सही है। इंस्पेक्ट किया मैंने, इधर गया, और ये जो कलर है तुम्हारा, इसको अगर मैं थोड़ा सा हाँ ये कर दो ना, अगर तो थोड़ा सा देखो विजिबल हो गया है वो, ठीक है। वैसे तो और विजिबल होना चाहिए इसको, क्या भाई ये इमेज स्ट्रेच क्यों हो रही है? सारा CSS पढ़ लिया उसके बावजूद भी इमेज स्ट्रेच हो रही है। ये जो इमेज है ना तुम्हारी, अरे भाई ये तो पूरा पेज ही स्ट्रेच हो गया तुम्हारा। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो, ऐसा भेजोगे किसी को तुम पोर्टफोलियो, ये भेजोगे पोर्टफोलियो में किसी को। हम तो असाइनमेंट जो बना रहे हैं डेली बेसिस पे इस क्लास में, वो तो हम पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं ना अपना, कि यार ताकि एंड ऑफ द डे जब हम क्लास ख़त्म हो हमारी तो हमारे पास पोर्टफोलियो हो। यार इस तरह का काम तो नहीं करो इसमें, कम से कम ऐसा बनाओ कि किसी को दिखाओ तो। सबसे पहले बंदा यही करता है, आपको पता है सबसे क्विकली जो है ना, किसी को वेबसाइट दिखाओ ना, सबसे क्विकली वो ये काम करता ही हूँ, बस गेम ख़त्म आपकी, अब वो आगे कोई चीज़ चेक नहीं करेगा, उसको समझ आ गया कि गेम उतर गई आपकी। अच्छा, और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आपका मतलब चीज़ें पूरा पेज ट्रांसफॉर्म हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पेज ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो एक मिनिमम विर्थ मैक्सिमम विर्थ भी तो कोई चीज़ होती है ना। अभी इस पर मैं मिनिमम विर्थ मैक्सिमम विर्थ लगाऊंगा, ये चीज़ हैंडल हो जाएगी, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ तो एटलीस्ट फॉलो करो ना। चलो मीडिया क्वेरी नहीं लगाते ना लगाओ, लेकिन मिनिमम विर्थ मिनिमम हाइट वाली जो चीज़ें हैं सारी, उसको तो सेट रखो ना कम से कम। देखो अब ये जो है ना तुम्हारे पास इस वक्त, इसकी विर्थ 32% की हुई है, सही है। इसकी विर्थ 32% करने का रीज़न ये हुआ है कि अब स्क्रीन बड़ी होगी तो ये 32% हो गया, 32% सही है। स्क्रीन छोटी हो गई तो 32% बहुत कम हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके 32% क्या लगाऊँगा? मैक्स विर्थ, सही है, कि कम से कम जो है वो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 32 हो, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 32, असल में परसेंटेज जो है ना ये गड़बड़ है इसके अंदर, परसेंटेज मिनिमम मुझे शायद पिक्सल में देना पड़ेगा। ये तो चलो इसको मैक्स कर दिया ना मैंने, मिनिमम मुझे पिक्सल में देना पड़ेगा इसको,
सही है, मिन विड्थ अब मैं इसमें लगाऊंगा पिक्सल में कि यार कम से कम जो है ना 300 पिक्सल इसकी मिन विड्थ रहे, इससे छोटा ना हो ये, ठीक है। देखो मिन विड्थ मैक्स विड्थ लगाया ना, ये चीज़ हैंडल हो गई। अब देखो छोटे बड़े में मसला नहीं कर रहा ये, सही है। इसको बहुत छोटा भी अगर मैं करूँगा तो ये एक सर्टन पॉइंट पे उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा ये। हाँ, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इसको मैं अगर मिनिमम मिनिमम भी कर सकता हूँ ना, तो इसको मैं यहाँ तक ला सकता हूँ ना, 230 पिक्सल से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता इसको मैं। अब ये इमेज भी स्ट्रेच है ऊपर वाली, ये इमेज क्यों स्ट्रेच हो रही है, क्योंकि इमेज आपकी ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर इमेज को आप गोल नहीं कर सकते। अगर आपको गोल करनी है इमेज ना, सर्कुलर बनाना है, तो उसको स्क्वायर होना चाहिए जब वो परफेक्ट सर्कल बनेगा, अदरवाइज़ वो परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, फ़िलहाल के लिए मैंने ये साइड वाला पार्ट था इसको बोल दिया कि यार मैक्सिमम विड्थ तो आपकी 32% तक हो सकती है, लेकिन मिनिमम विड्थ 230 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये काइंड ऑफ ना मेरे पास एक फील दे दी इसने कि रिस्पॉन्स थोड़ा सा कर रहा है ये। अच्छा, अब ये साइड वाला पार्ट भी कम से कम इतना होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं साइड वाले पार्ट को भी पकड़ूंगा और क्या बोलूंगा मैं कि यार इसकी जो मैक्स विड्थ 6 ये होनी चाहिए, मैक्सिमम ये 68% तक जाए, और मिनिमम विड्थ इसको मुझे पिक्सल में देनी पड़ेगी कि यार चलो इसको मैंने 250 रखा था ना, हाँ इसको मैं 500 रख देता हूँ, सही है। तो अब ये 500 से मज़ीद छोटा नहीं होगा, ये 500 पे देखो आगे रुक गया ये, ठीक है। अब 500 पे आगे रुक तो गया, लेकिन ये साइड में जो वाइट स्पेस है ये वाला, अब भाई अगर 500 हो गया है तो वाइट स्पेस ख़त्म हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये क्या होता है, वाइट स्पेस ख़त्म नहीं होता है। अब वाइट स्पेस कैसे डिवेलप हुआ है वो देखना पड़ेगा, एक डिव है असल में, ये वाइट स्पेस क्या है, एक अदद डिव है। इस डिव की ज़रूरत है क्या हमें, फ्लैक्स भी नहीं किया हुआ, कहाँ किया हुआ है, ये तो रूट है, उसके बाद ये डिव है, और मार्जिन पैडिंग ज़ीरो किया हुआ है इसमें, ये मार्जिन पैडिंग ज़ीरो करने से हुआ क्या है। अच्छा अच्छा सही, समझ गया मैं क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद ये है डिव, इनके इसके दोनों साइडों पे लगाया हुआ मार्जिन, ये मार्जिन नहीं लगाना था आपने, ये डिस्प्ले फ्लैक्स करके दरमियान में करना था। ये आपने कौन सा तरीका किया है, सेंटर करने वाला जो पुराना तरीका था ना, जो 1900 अंधेरा वाला, ये वो तरीका किया है, सही है। किसका है ये असाइनमेंट, आसिफ मोहम्मद आसिफ, कौन है मतलब तुम हो भाई, ये क्यों किया है जब फ्लैक्स बॉक्स पढ़ चुके हो, तो इसको नहीं करो भाई, सही है। इसको मैं आया, मैंने आके इसका ये मार्जिन है ना ये हटा दिया, सही है। मार्जिन हटाने के बाद क्या किया मैंने, इसको मैंने बोला कि भाई क्या हो जाओ आप हो जाओ फ्लैक्स बॉक्स, यानी इसका भी जो पेरेंट है उसको मैंने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, सही है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सही है। अब देखो क्या होगा, अब जब मैं इसको छोटा करूँगा ना, यार अभी भी वही मस्ती कर रही है, क्या सीन है, नहीं अलाइन आइटम से बीच में तो हो गया ही है, छोटा वो क्यों नहीं हो रहा, जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो इसको तो साइड में जाना चाहिए ना, इसमें कुछ और भी लगा हुआ है, इसमें कुछ और भी लगा हुआ है जिसकी वजह से, अच्छा ये भी तो डिस्प्ले फ्लैक्स हुआ हुआ है, अच्छा ये तो डिस्प्ले फ्लैक्स उसकी वजह से हुआ हुआ है ना, इसमें और क्या लगा हुआ है जिसकी वजह से ये साइडों में जगह नहीं छोड़ रहा। अच्छा नहीं यार, सब कुछ तो सही है, डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले फ्लैक्स, ये अंदर क्यों जगह ले रहा है यार इतनी सारी, अगर मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स हटाता हूँ तब तो ये सही साइड पे हो जाता है, फिर यार ये कुछ और भी चीज़ बीच में इसके लगी हुई है ना, इतनी दूर से इसको ये कैसे टच मार रहा है, इतनी दूर से टच नहीं मारना चाहिए इसको, है ना,
अरे ये मार्जिन लगा हुआ है ना इस पे, ये क्या चीज़ है? डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। ये कंटेनर पे कुछ, ये क्या लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये कुछ इसके ऊपर ना सीन हुआ है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स तो चलो सही है, बॉर्डर भी सही है, विर्द भी सही है। बहरहाल इस पे कोई सीन ऐसा हुआ है जो मेरे समझ नहीं आ रहा अभी कि क्या हुआ है। ये मुझे लग रहा है डबल डबल डिव हुआ है ना, इसके वजह से भी एक प्रॉब्लम है। तो एक डिव को हम ना इसमें से कर देते हैं डिलीट। जैसे ये डिव है ना, इसको एडिट एज एचटीएमएल जब हम करेंगे ना, तो इस वाले डिव को ना एक को डिलीट कर देते हैं टॉप से। एक डिव मैंने टॉप से ना इसका डिलीट किया है, सही है। अब रूट के बाद एक ही डिव है यहाँ पे। अब इस डिव में इस तरफ इतना बड़ा सारा मार्जिन क्यों आ रहा है, ये क्या चक्कर है? ये मार्जिन है और ये इस कलर से जो आ रहा है, इस कलर से मार्जिन ही आता है। ये देखो दोनों साइड पे मार्जिन आ रहा है। अब इस मार्जिन को अगर हटाने के लिए मैं ये मार्जिन की प्रॉपर्टी इस पे से हटा देता हूँ, ये जो ऑटो लगा हुआ है ना, इसको मैं ऑटो को हटाता हूँ, सिर्फ जीरो को छोड़ देता हूँ अगर, तो स्टिल जो है वो ये मार्जिन रहता है यहाँ पे, ये ख़त्म नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होता। अच्छा, इसका जो ये पेरेंट है, इसको अब मैं बोलता हूँ कि यार आप क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ आप, सही है, ये मैं बोल देता हूँ इसको। लेकिन स्टिल, अच्छा अब ख़त्म हो गया शायद, अब ख़त्म हो गया इसके पेरेंट को मैंने जब डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये ख़त्म हो गया। और अब मैं क्या बोलूँगा, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, अब सेट हो गया ये मसला शायद। यार अभी भी मसला सेट नहीं हुआ है। अब तुमने कोड में कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्या चीज़ है वो पता नहीं लग रहा। हालांकि इसकी साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है। ये देखो इतनी दूर से इसको टच कर रहा है। भाई क्या सीन है ये? ओ इसमें विर्थ लगी हुई है ना 65%, ये परसेंटेज में विर्थ होने की वजह से। अच्छा देखो समझ में आ गया ना क्या सीन है। देखो इतने पे हुआ ना अगर ये, तो 65% विर्थ ले रहा है ये, इसलिए ये चपक रहा है साथ में। ये 65% विर्थ पहले तो हटानी पड़ेगी इस पे से, और इस पे भी क्या लगाना पड़ेगा, मैक्स विर्थ 65%। ये मैक्सिमम 65 जाए, और मिनिमम क्या हो, मिनिमम जो है वो छोटा हो जाए, छोटे होने की कोई लिमिट नहीं है, सही है। यार ये भी मसला है, ये भी मसला है। एक मिनट इसको पूरा ज़रा हटा के देखते हैं थोड़ी देर के लिए। पूरा हटाने से मसला तो हल हो जाता है हमारा, पूरा हटाने से हमारा मसला हल हो जाता है, सही है। अब ऐसा इसमें क्या लगाया जाए कि जब बड़ी स्क्रीन हो ना तो ये 65% पे दिखे। अच्छा वैसे दिख तो अभी भी ये उस पर ही रहा है, साइड में अब स्पेस अवेलेबल है मेरे पास। अब इसको ज़रा वो सेंटर लगाते हैं, कहाँ गया वो सेंटर हमारा? मिन विड्थ ये हमने रखा था 500 और वो रखा था 250 ना, तो 750 है। तो मैंने कहा 750 जो है ना पिक्सल आपका क्या हो जाए, मिन विड्थ हो, इससे नीचे ना आने दे, सही है। और मैक्स विड्थ भी मैं इतनी ही लगा देता हूँ, ये स्टिल थोड़ा सा जुगाड़ी काम हो रहा है। ये मेरा मसला सेट हो गया ये वाला, ठीक है।
ये मैंने पिक्सल टू पिक्सल इसको फिट कर दिया आपस में, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है ना यार इतना काम तो, अब इसमें प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आता है, सही है। पिक्सल टू पिक्सल फिक्स करने में प्रॉब्लम ये होती है कि जब छोटी स्क्रीन पे खुलता है ना तो इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आता है। अभी कहाँ तक जाके आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल? 700 पिक्सल पे, यानी कि अगर ये टैबलेट पे खुलेगा ना तो हल्का सा इसके अंदर ही आ रहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अभी मैंने देखा अभी यहां पे कोई ने मैंने चेक करने के लिए खोला तो उसने बताया तो मैंने क्लास लगाया और मैंने देखा वो क्लास लगा हुआ था, क्लास में बस ब्रेक भी नहीं हुई बिल्कुल चल रहा है, मैंने डिप्लॉय भी चल रही है, क्लास लगा के प्रॉपर चल रही है। तुमने असल में पता क्या किया होगा? तुमने ऐसे एज एट्रीब्यूट इसको यूज किया हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके किया तुमने। देखो एक तो ये तरीका होता है ना कि ऐसे करके लिखोगे आप, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दोगे इसके फ्रंट पे आप, ठीक है, ऐसे क्लास इक्वल्स टू और ऐसे डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दोगे, इसमें ये एरर नहीं देगा, सही है। शायद दे भी दे लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसमें ये नहीं देगा, सही है। और इस क्लास को अप्लाई भी कर देगा ये, सही है। इसमें देखो इसने एरर नहीं दिया। और जो मेरी क्लास थी ना लास्ट 5 + 10 = 15 पे देखो अप्लाई भी हो गया, लाल कलर इस पर अप्लाई भी हो गया। कहाँ गया मेरा लाल कलर? ये रहा लास्ट, लाल कलर अप्लाई हो गया। अच्छा लेकिन अगर मैं इसको ये वाला पास करूँगा ना, ये वाला, तो अब मोस्ट प्रॉब्ली एरर दे देगा, या हो सकता है नए वाले में इन्होंने इसको भी हैंडल कर लिया हो, सही है। नए वाले में इसको हो सकता है इन्होंने हैंडल कर लिया हो। हाँ यार इसमें भी एरर नहीं दे रहा, नए वाले में शायद ये चीज़ इन्होंने अलाउ कर दी है। लेकिन वेल क्लास नेम लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लास नेम शुरू से चला हुआ आ रहा है तो वो टेस्टेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही ना आ जाए बाद में आगे चल के ना प्रोडक्शन में, कोई एरर नहीं दे रहा भाई इसमें ये। पहले इसमें देता था ये एरर बकायदा, अभी इसने नहीं दिया है। ये नए वाले में इन्होंने शायद अपडेट कर दिया होगा, कुछ सेटिंग ऐसी की होगी ना बेबल पे जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे। अच्छा हाँ नहीं वो तो चल रहा है यार, चल रहा है, शायद इन्होंने सपोर्ट दे दी है इसकी। पहले तो ये एरर दे देता था, बताता था, बोलता था भाई क्लास को क्लास नेम करो। अब ये इन्होंने बेबल पे जो कन्वर्जन करते हैं ना उसमें शायद इसका भी नाम एक लगा दिए कि अगर किसी ने क्लास लिखा है तो उसको क्लास नेम करके ट्रांसलेशन करें। हाँ भाई स्टिल मुझे उतने लिंक्स नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं। तुमने बनाया? नाम बताओ क्या है लिंक का तुम्हारे? हाँ भाई चेंजेस, चेंजेस करने के बाद आप चलाओगे npm रन बिल्ड और उसके बाद आप चलाओगे डिप्लॉय। बिल्ड का फोल्डर डिलीट हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप npm रन बिल्ड चलाते हो तो वो ऑटोमेटिकली पुराने फोल्डर को डिलीट करता है, नया फोल्डर बनाता है। रिएक्ट पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो के नाम से यहाँ पे लिंक ही नहीं है। PORT लिख रहा हूँ, आ नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा। इस वाले में डालो ना, इस क्लास में ये यूज़ करते हैं हम नया वाला, इसका URL ये वाला। ग्रुप में इधर भेजो ना, इधर भेजो, इधर भेजो भाई, इधर भेजो, ग्रुप में थोड़ी जाके दे। अच्छा इसका ये वाला लिंक व्हाट्सएप पे डाल दो कोई ज़रा, इस ये सिसबॉर्ग नेटलीफाई ऐप का ना व्हाट्सएप पे कोई लिंक ज़रा लगा दो। लिंक्डइन वाला है तुम्हारा, आ जाओ देख लेते हैं लिंक्डइन वाला। अच्छा यार लिंक्डइन वाला एक इशू है जो मैंने फेस किया लास्ट, यार कुछ लोगों का ना मेंशन मेरे पास शो नहीं होता, पता नहीं क्या चक्कर है। शायद जो बंदा कनेक्शन में नहीं होता ना उसका नोटिफिकेशन नहीं आता शायद। हाँ सही है। अब जैसे ये तो कनेक्शन में है मेरे साथ, इसका आया होगा एक घंटे पहले इसने किया है ना, जाता हूँ मैं नोटिफिकेशन में और नोटिफिकेशन में जाके मैं जाता हूँ मेंशंस में,
हाँ देखो इसका तो आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बंदों का ना मेरे पास इधर नोटिफिकेशन नहीं आता मेंशन पे। तो भाई अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो मेरे साथ कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाना यार, शायद कनेक्शन ना होने की वजह से ना वो नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता। सही है। अच्छा मैं इधर जाऊँगा ना ऑल पोस्ट ऑल के ऊपर, तो यहाँ पे ना किसी ने कमेंट किया होता है वो आ रहा होता है, लेकिन मेंशन नहीं आ रहा होता। चलो इसको तो मैं लाइक कर दूँ तुम्हारे। ये इतनी देर से हो क्या रहा है? नहीं वीडियो वीडियो तुम्हारी ये 5-6 सेकंड की होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है, बस यूँ स्क्रॉल करो ख़त्म, इसमें तो और कुछ भी नहीं है। इसको ये रिस्पॉन्सिवनेस अगर चेक कराओ तो चलो फिर भी तुम्हें समझ आता है, तुमने कुछ भी चेक नहीं कराया इसमें, तुमने जस्ट URL खोला है और बस यूँ यूँ माउस ऐसे ऐसे कर रहे हो। सही है, जस्ट लाइक नो रीशेयर। अरे कैपिटल स्मॉल अलग है। अरे क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं कैपिटल वाला नहीं है यार, कैपिटल स्मॉल को सेम कर दो। अच्छा वैसे उसमें भी कैपिटल स्मॉल अलग था, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है ना, स्मॉल में डालो भाई, कैपिटल वाला नहीं है, स्मॉल है। अच्छा कहाँ गया भाई तुम्हारा वो, तुम्हारा कहाँ चला गया, इसमें आ क्यों नहीं रहा? भाइयों जिन लोगों का नहीं हुआ वह, जिनका हो गया है वो उनसे करवाएंगे। अभी क्लास हमारी एडवांस लेवल पे पहुंच गई है, अब मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा कि आप असाइनमेंट्स नहीं बना रहे हैं और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? या तो अगर किसी को रिएक्ट पहले से आती है तो वो बताए फिर। आती तो नहीं है रिएक्ट, आती तो नहीं है ना, ठीक है? अच्छा थोड़ा बहुत आने को आना नहीं कहते, ये भी समझ लो बात, अगर थोड़ी बहुत आती है ना तो उसका आना और नहीं आना उससे बेहतर है ना आए। जिसको थोड़ी बहुत अगर आती है रिएक्ट, उससे बेहतर ये था कि नहीं आती, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? थोड़ी बहुत का कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा बहुत तो हर बंदा हर काम ही कर लेता है, थोड़ा बहुत तो पंक्चर भी बना लेता है बंदा अपनी बाइक का, गाड़ी का, है ना? कभी इमरजेंसी हो जाए तो पंक्चर खुद लगा लेता है ना बंदा। और थोड़ा बहुत जो है वो क्या कहते हैं, ये भी बंदा देख लेता है अच्छा किधर इन्वेस्ट करना है, थोड़े बहुत पैसे हाथ में बंदा सोच लेता है थोड़ा, अच्छा यार इधर ऐसे ले लो ये ले लो, ठीक है? थोड़ा बहुत तो बंदा बहुत कुछ कर लेता है ना यार, थोड़ा बहुत तो मैकेनिक भी होता है यार बंदा, थोड़ा बहुत प्लम्बर होता है ना, इलेक्ट्रिशियन भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत होना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे यार पैसे नहीं कमा सकते आप, उल्टा आप उस थोड़े बहुत नॉलेज पे काम पकड़ोगे उल्टा बदनामी होगी, उल्टा जलालत होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई किसी एक चीज़ को ना अच्छे से सीखो, अगर नहीं समझ आ रहा कोडिंग में तो कहीं और जाओ फिर, जहाँ पे समझ आ रहा है वहाँ जाओ, कोई और चीज़ है जिसमें मज़ा आता है तो वहाँ जाओ फिर। भाई ये तुमने लाइब्रेरी यूज़ करके इसमें पीछे वो तो लगा दिया, लेकिन तुम्हारी जो एक्चुअल वेबसाइट है, ये क्या हुआ यार? अच्छा ये हैंग क्यों हो गया भाई? अच्छा आर्टिकल की वजह से ये हैंग हो रहा है।
आर्टिकल क्या है ये? आर्टिकल .json लाइब्रेरी है। अच्छा ये हैवी होगी ना लाइब्रेरी। तुम्हारी बेटा ये हैंग होता है जब मैं तुम्हारे नेविगेशन बार पे लेके जाता हूँ, जब होता है हैंग, ऐसे ही नहीं हो रहा ये। अच्छा प्रोसेसर तो ये लोड डाल रहा है प्रोसेसर पे भाई, ये हाई परफॉर्मेंस वाला इसने ऊपर कर दिया है। अब मैं अगर बंद कर दूँ तुम्हारा टैब ये तो फिर सेट हो जाता है। सही है, अब सेट हो गया ये। और भी तो चीज़ें चल रही हैं वैसे तो, ये वी एस कोड भी चल रहा है इस पर, ये नीचे प्रोसेस ये सर्वर भी रन हो रहा है, उन सब का ही लोड है। वैसे तो इसको बिल्कुल नीचे आ जाना चाहिए। वेल हाँ भाई लड़कों, नए लिंक्स मेरे पास नहीं आ रहे अब। चलो यार आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हाँ बूटस्ट्रैप आइकन बता देता हूँ। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। रिएक्ट बूटस्ट्रैप यार इधर देख लो, रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैसे है। सही है, गेट स्टार्टेड का बटन दबाओगे, npm install react bootstrap यहाँ पे आओगे और यहाँ लिखोगे npm install react bootstrap। सही है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, इंपोर्ट बटन। सही है, यहाँ ऊपर आओगे इंपोर्ट। अरे इसको क्या हो गया, नीचे सूडो नहीं दिया इसको मैंने। इंपोर्ट बटन कर दिया ऊपर मैंने, ये रिएक्ट बूट स्ट्रैप चल रहा है अभी। सही है, और इसको मैंने कर दिया स्टार्ट। सही है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा एक अदद बटन, और ये कौन सा बटन लगाऊंगा मैं, ये जो मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पर, और ये बटन कौन सा है, ये रिएक्ट का वो है। अरे ये क्या हुआ, अच्छा वो मैंने कुछ मिस किया है इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन में मैंने क्या मिस किया है भला, सब कुछ तो सही है, अब क्या मसला है। इफ़ यू प्लान टू यूज द कस्टमाइज और दिस 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 दिस, अच्छा ये भी लगाना है ना, ये भी लगाना है। अच्छा या तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये लगा दूँ स्क्रिप्ट का टैग और ये सारे वाले, और या तो मैं कर सकता हूँ कि ऐसे इंपोर्ट कर लूँ इस CSS को। इसको कह रहा है index.js में इंपोर्ट करना है। चलो मैंने ये भी, क्योंकि CSS की फाइल तो लगेगी ना, बहरहाल ये मैंने कर लिया। अब देखता हूँ क्या रिपोर्ट है, चल गया। सही है, तो ये मेरे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बटन आ गया। अच्छा इस पर वो रिपल विपल का इफेक्ट भी आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ ये आ गई ना डॉक्यूमेंटेशन, यही तो है। हाँ अब ये जो कह रहा है ना यहाँ पे, इसमें वो चाहिए इसको, अभी आइकन भी है बता रहा हूँ, अभी रिएक्ट का बूटस्ट्रैप तो समझ लो। हाँ वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप ही तो बता रहा हूँ अभी मैं। अच्छा ये क्या इसने इंपोर्ट करवाया यहाँ पे, वी प्रोवाइड रिएक्ट बूटस्ट्रैप JS और दिस इज बंडल विद ऑल कंपोनेंट एक्सपोर्टेड ऑन द window.react-bootstrap object bundle available on js deliver। well मेरा ख्याल है इंस्टॉलेशन हो गई, इसमें और कुछ लगाने की मजीद जरूरत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे ना कहीं इसने आइकन का भी जिक्र किया होगा इस डॉक्यूमेंट में,
इसने बोला यार ऐसे स्टैक करके लगाओ आप और ये चलेगा, ये कोड लिखूंगा तो वैसा वाला जैसा ऊपर दिख रहा है ना ऐसा मुझे दिखना चाहिए, सही है। स्टैक करके मैंने ये लगा दिया, अब ये स्टैक इंपोर्ट नहीं हुआ वो ऊपर स्टैक को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टैक क्या चीज़ है, इनका एक कंपोनेंट है, सही है। इसको मैंने स्टैक ऐसे ऊपर से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं क्या हुआ, सही है हो गया। सही है। अच्छा ये नीचे वाले को भी मैं क्या कर देता हूँ, स्टैक में डाल देता हूँ, जो बाकी का कोड है ना मेरा पूरा, इसको भी मैं स्टैक में डाल देता हूँ ताकि क्या हो वो उसको मतलब ओवरलैप ना करे वो। ये नीचे का तमाम कोड मैं क्या कर देता हूँ, कहता हूँ भाई इसको एक स्टैक में डाल दो। तो मेरे पास दो स्टैक हो गए और इसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ्ट टू राइट है, सही है। ये कर दिया तो ये इस वाले को मैं क्या कर देता हूँ, वर्टिकल कर देता हूँ, वी सी ए एल होता है ना वर्टिकल, ठीक है। ये हो गया, एक वर्टिकल हो गया एक हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। इसको भी मैंने वर्टिकल कर दिया। अच्छा तो ये मैंने ज़रा सा थोड़ा बहुत चला के देख लिया, हाँ जी सही चलने लग गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम रिएक्ट आइकन्स के ऊपर। आइकन्स आइकन्स किधर हैं भाई, आइकन्स नहीं यहाँ कहीं तो जिक्र होगा ना कि आइकन के लिए उधर चले जाओ। रिएक्ट बूट स्ट्रैप आइकन्स, नहीं नहीं इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा रिएक्ट बूट स्ट्रैप आइकन ये आ गई लाइब्रेरी हमारे पास, ठीक है जी। क्या है इसका, npm install react bootstrap icons minus minus save, आ जाओ भाई इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। रिएक्ट बूट स्ट्रैप आइकन्स माइनस माइनस सेव, और आगे ये ऐसे करके इंपोर्ट करो आइकन को और ऐसे करके नीचे लगा दो, दैट्स इट। सारे आइकन की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। इसको वापस मैंने npm स्टार्ट कर दिया। npm स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक आइकन को इंपोर्ट किया, ठीक है। एरो राइट करके ये आइकन है, इसको मैंने इंपोर्ट किया। और इस एरो राइट को मैं लगाने कहाँ जा रहा हूँ, बटन के अंदर लगाने जा रहा हूँ मैं, सही है। बटन के अंदर मैंने सिर्फ एरो राइट लगाना था ना, सही है। एरो राइट को सेल्फ क्लोजिंग लगा सकते हैं हम, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी मर्जी है, सेल्फ क्लोजिंग लगा दो या आप या ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग, ठीक है। तो बटन के अंदर ये आइकन बना हुआ आ गया। अच्छा ये आइकन जो होता है ये एज अ टेक्स्ट शो हो रहा होता है, तो जहाँ पे भी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करोगे आप तो इसका आइकन का भी साइज़ बड़ा होता है साथ में। अब आ जाते हैं तमाम की तमाम लिस्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने लिंक दिया हुआ होगा कि जी यहाँ चले जाओ आप पूरी लिस्ट देखने के लिए। अच्छा फिग्मा का प्लगइन भी अवेलेबल है इसके लिए, सही है। फिग्मा के प्लगइन पे आप जाओगे, मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए काम आता है फिग्मा का प्लगइन, ये हो गया। और ये आइकन्स डॉट गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम, यहाँ पर वो पूरी लिस्ट है आइकन की, ये आ गई मेरा भाई सारी लिस्ट, सही है। यहाँ पे सर्च भी बना हुआ होगा, सर्च में आप जाके सर्च लिखोगे जो भी आइकन वो आ जाएगा आपके पास, सही है। मिसाल के तौर पर मुझे मेल का आइकन चाहिए तो मैं मेल करके एंटर करूँगा, ये देखो एनवलप के नाम से है यहाँ पर, सही है। अब इसका बस मुझे नाम चाहिए एनवलप, बस इस नाम से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी होगा कि वो कैसे चल, अच्छा देखो सारी एग्जांपल भी है कि बटन में कैसे लगेगा और जो है ना हेडिंग के साथ कैसे लगेगा, ये सारी एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर ना। इसका कोड कैसे दिखेगा एग्जांपल का, एग्जांपल दिख रहा है कोड नहीं दिख रहा एग्जांपल का, वेल तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको बोलता हूँ भाई एनवलप। अच्छा मैं वैसे भी यहाँ पे ई एन लिखूँगा ना, तो ये देखो मेरे पास आ रहा है एनवलप एट एनवलप फिल एनवलप चेक, ये सारा आ रहा है। और मैंने बोला क्या करो, इस बटन के अंदर जो है ना यहाँ पे
एनवेलप लगा दो। सही है, आओ देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सही है, देखो ये लग गया इसके साथ। मुझे इसका अगर कोड देखना है तो मैं कैसे देखूंगा इस एग्जांपल का। यूजेज, यूजेज में चलते हैं। रिएक्ट वाला यूज भी यहाँ नहीं बताया इन्होंने। रिएक्ट वाला यूजेज जो है ना यहाँ पे इन्होंने जिक्र नहीं किया है। ये सिंपल बूटस्ट्रैप असल में यहाँ पे सिर्फ डिस्कस हुई हुई है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाली बात डिस्कस नहीं की है यहाँ पे। वैसे लगेगा तो उसी तरह जैसे सिंपल रिएक्ट के अंदर लग रहा होता है, लेकिन जस्ट मैं ऐसे ही क्यूरियस हो रहा था कि ज़रा क्या सीन है। अच्छा, हम जो लगा रहे हैं ना वो फॉन्ट आइकन के तौर पे लगा रहे हैं। सही है, हम जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉन्ट आइकन के तौर पे कर रहे हैं। ठीक है, डाउनलोड करके अगर इसको करेंगे इंस्टॉल तो फिर जो है ना ये वाला होगा, एक्सटर्नल यूजेज होगा ये। अच्छा, ये जो फिग्मा था इसके अंदर आप आओगे जब, तो ये क्या है, फिग्मा एक डिज़ाइन होता है। इसको ट्राई आउट का बटन दबाऊंगा ना मैं, तो ये फिग्मा पे खोल देगा और इससे मैं अपना कोई भी खुद का डिज़ाइन बना सकता हूँ, जो कि बाद में जो आपके लिए हैकाथॉन में जो बना के दिया था वो भी क्या था, यही था। सही है, मैं यहाँ पे अब एक पेज नंबर 1 खुला हुआ है ना ये। सही है, हाँ वो मैंने बनाया था, पेज 1 खुला हुआ है और इस पर मैंने बोला कि यार क्या कर दो मुझे ना आइकन दे दो। चल क्यों नहीं रहा ये, मैंने कहा मुझे ये वाला आइकन चाहिए, तो ये आइकन यहाँ पे बन के आ गया। इसमें मुझे एक पेज चाहिए पहले तो ना, पेज कैसे खुलता है इसमें यार। पेज नहीं खुल रहा है इसमें, पेज पता नहीं कैसे खुलता है। वेल, इससे बेहतर वैसे एक मौजूद था जो मैंने जो यूज़ किया था ना वो इससे बेहतर था। वो कौन सा वाला था भला, वो मैं रिसेंट में आ रहा होगा मेरे पास, होपफुली वो रिसेंट में आ रहा होगा। ये वाला था ना, सही है। इसमें मैं एक नया पेज, अरे ये क्या सीन है यार, नए पेज में इसमें भी नहीं खोल रहा ये। वेल, इसी में मैं अगर एक नया, एक नई स्क्रीन लूँ, ठीक है, और मैं क्या करूं, इन सबको इसमें से डिलीट मार दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास यहाँ पे ये सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे जो जो बूटस्ट्रैप के अंदर होता है ना वो सब यहाँ पे पहले से देखो मौजूद है, बना हुआ है। कंपोनेंट्स में जाऊंगा मैं, कंपोनेंट्स देखो, बटन वगैरह, सही है, बैजेस, फॉर्म इनपुट्स, ये सब पहले से मौजूद है, बटन्स के ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, लिस्ट होती है जो, ये सब पहले से मौजूद है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वापस जाना है मेरी स्क्रीन पे और यहाँ पे जाके ये जो बटन है ये मैं प्रेस करता हूँ और कंपोनेंट्स पे जाता हूँ मैं। कंपोनेंट्स पे जाके मुझे मिसाल के तौर पे नेविगेशन बार चाहिए, तो मैं नेव्स पे जाता हूँ। ये 3 तरह के नेविगेशन बार यहाँ पे मौजूद है, मैं दरमियान वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास नेविगेशन बार यहाँ पे बना हुआ गया, सही है, और ये वही वाला आया जो बूटस्ट्रैप में होता है। इसको मैंने उठा के यहाँ इसके अंदर प्लेस कर दिया, सही है। अच्छा, ये यहाँ पे असल में वो नेविगेशन बार दूसरा वाला लगा हुआ है, तो उसमें वो टॉप टू बॉटम चला हुआ है ना, सही है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा मैं बोलूँगा भाई टॉप टू बॉटम नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए ऐसे वाला, सही है, और मुझे ऐसे वाला चाहिए ये। इसका जो बॉक्स है मुझे उसमें पहले साइन अप चाहिए ना, साइन अप आगे चला गया है, बस इतना भी आसान नहीं है ये। पेज का टाइटल मुझे चाहिए इधर, पेज का टाइटल मुझे इससे पहले चाहिए, ये सही हुआ है अब। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी दूसरी भी छेड़छाड़ की हुई है, जिसकी वजह से जो है ना ये काफ़ी गड़बड़ी हो चुकी है इसके अंदर। 2-3 घंटे लगे होंगे,
सही है, इसका बैकग्राउंड कलर वाला ज़रा सा डिफरेंट हुआ। हाँ ठीक है, तो इस तरह से अब मैं जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी इसमें मैं वो लेता रहूँगा यार, फाइनल का पता नहीं। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई बटन वटन चाहिए तो यहाँ पे मैं दोबारा कंपोनेंट्स में जाऊँगा और बटन मुझे चाहिए अगर, तो मैंने ये बटन यहाँ उठा लिया, ये बटन यहाँ पे आ गया, तो इस तरह करके मैं बना सकता हूँ। तो जब भी कोई डिज़ाइन बनता है ये याद रखो हमेशा, जब भी इस तरह का कोई डिज़ाइन आपको कोई बना के देगा ना, अच्छा डिज़ाइनर बना के देगा, तो वो साथ में ये भी मेंशन करेगा कि ये किस फ्रेमवर्क पे बना हुआ है, बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है, मटेरियल यूआई पे बना हुआ है, या एंगुलर यूआई उस पर एंगुलर मटेरियल पे बना हुआ है, किस पे बना हुआ है ये। ठीक है, तो जो भी फ्रेमवर्क होगा उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो बड़े फिर आराम से बनता है। अच्छा भाई, बूटस्ट्रैप लगाना बता दिया, बूटस्ट्रैप आइकन लगाना बता दिया, और कोई जिसमें सवाल किसी का? वर्चुअल डोम यार ज़रा फास्ट है ना, वो कहते हैं जल्दी अपडेट होती हैं चीज़ें, नहीं नहीं रिएक्ट। अच्छा तुम वो सवाल कर रहे हो, नहीं 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 अभी तुम सवाल में तुम्हारा समझ गया, तुम ये कह रहे हो कि जो हम जावास्क्रिप्ट में काम करते थे वो तो उसमें मुश्किल हो गया है, और जो पहले आसानी से करते थे वो मुश्किल हो गया है। भाई अभी अगली क्लास में ये पता लगेगा आपको, जब हम डायनेमिक कंपोनेंट्स बनाएंगे, हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाएंगे ना, जब तुम्हें पता लगेगा कि ये क्या सीन है क्या इसका असल में। ठीक है, ये अभी नहीं पता लगेगा, अभी तो जस्ट हमने हेलो वर्ल्ड बना के डिप्लॉय किया, आज हमने वो करना था लेकिन आज मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगा, सही है टाइम क्योंकि हमारा पूरा हो चुका है। तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास में जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए सब आएंगे जब, तो सब वो सीवी वाला असाइनमेंट अपना बना के लेकर आएंगे, सही है, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, जो बना चुके हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बाकियों से बनवाएं, अभी आज रात को सोने नहीं देना है आपको उनको, ग्रुप में आपने एक एक बंदे की अटेंडेंस लगानी है और एक एक बंदे का ना नाम लेके उसको पूछना है कि हाँ भाई बनाया कि नहीं बनाया, और उसको फोर्स करना है कि वो असाइनमेंट बनाए, क्योंकि उसकी वजह से आपका भी टाइम ज़ाया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो जिन लोगों का असाइनमेंट बना हुआ नहीं होगा वो खड़े होकर क्लास लेंगे, सही है, सब लोग एग्री हो इसके ऊपर, खड़े होकर क्लास लेगा जिसका भी असाइनमेंट नहीं बना हुआ होगा। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में।